हेलो फ्रेंड्स, क्या स्वाद है फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे भरवा प्याज। फ्रेंड्स, भरवा प्याज बनाने के लिए हमने ली है मीडियम साइज की प्याज, जिनको हमने छीलकर धो लिया है, और ये सभी मसाले। अब हम प्याज को इस तरह से बीचों बीच कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम एक प्लेट में स्वादानुसार नमक डाल लेंगे, एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, और एक बड़ी चम्मच सौंफ पाउडर। सभी मसालों को अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और इसे मसाले में मिला लेंगे। ये देखिए, हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम जो हमने प्याज कट करके रखी थी उसमें मसाला भर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सभी प्याज में मसाला भर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके ये हमने सभी प्याज में मसाला भर लिया है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेंगे, तेल थोड़ा ज्यादा डालेंगे। देखिए, इसे चारों तरफ फैला दीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देंगे तेल के गर्म होने के बाद। अब हम इसमें जो हमने मसाला भर के रखी थी वो प्याज डाल देंगे। ये देखिए, हमने सभी प्याज डाल दी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और प्लेट पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये नीचे से लगे ना, और गैस को मीडियम करेंगे। देखिए, 10 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। बीच वाली प्याज को साइड में कर देंगे और इन थोड़ा थोड़ा पलट देंगे। लगभग आधी पक चुकी है। अब हम इसमें बचा हुआ मसाला भी डाल देंगे, अगर आपका मसाला थोड़ा बच गया है तो। और इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए, 5-7 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। देखिए, सब्जी पक चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, हमारी भरवा प्याज बनकर तैयार है।